हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका AKS एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो हम अपडेट डिस्कस करने वाले हैं वो है बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की तरफ से जो असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आपने BE BTEC इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी AICTE अप्रूवल यूनिवर्सिटी से किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका ब्रांच सिविल इंजीनियर होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा धारी हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपके लिए जॉब नहीं है, असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब है। उसके बाद हम बात कर लें कि एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो यह है विज्ञापन संख्या 3/2020, ठीक है। बिहार सरकार के अधीन ये वैकेंसी निकाली गई है और आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पे चेक कर सकते हैं। अगर हम बात कर लें इसमें वैकेंसी की, तो वैकेंसी किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 4 वैकेंसी आई हुई है, जिसमें से एक वैकेंसी जो है एक सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। उसके बाद हम आर्थिक रूप से कमजोर EWS की बात करें तो 3 वैकेंसी है, जिसमें से 2 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति की बात करें तो कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 वैकेंसी है, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 वैकेंसी है और पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 14 वैकेंसी है, जिसमें से 1 वैकेंसी महिलाओं के लिए आरक्षित है। उसके बाद हम पिछले वर्ग की महिलाओं की बात करें तो 6 वैकेंसी हैं और उसके बाद अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो 31 पोस्ट हैं, जिसमें से 6 महिलाओं के लिए आरक्षित है। चलिए आगे की क्राइटेरिया देखते हैं। तो जैसा कि वेतनमान की बात करें, अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे होता है तो लेवल 9 ग्रेड पे 5400 मिल जाएगा आपको यहाँ पे वेतन। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जैसा पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी भारतीय यूनिवर्सिटी या संस्थान से AICTE अप्रूवल जो संस्थान है उससे आपने सिविल इंजीनियरिंग में BE BTEC किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं है, एक बार फिर से मैं बता दूँ। उसके बाद आगे हम देखते हैं उम्र सीमा की बात कर लेते हैं। सीमा की बात करें तो उम्र सीमा में क्या है कि 1 अगस्त 2019 के अकॉर्डिंग काउंट होगा आपका उम्र सीमा। न्यूनतम आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आपकी 37 वर्ष होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी की महिला हैं तो आपको 40 वर्ष मिल जाएगा यहाँ पे मैक्सिमम आयु। उसके बाद अगर आप OBC बिलोंग करते हैं तो OBC के लिए भी 40 साल रखी गई है, चाहे आप पुरुष हो या महिला हो। उसके बाद अनुसूचित जाति यानी SC ST के कैंडिडेट हैं, अगर आप पुरुष या महिला कोई भी हो, आपको 42 ईयर्स मिल जाएगा मैक्सिमम एज लिमिट। अलावा अगर बाकी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपने जॉब किया हुआ है किसी संस्था में, सरकारी संस्था में बिहार सरकार के, और अगर आप दिव्यांग कोटा से बिलोंग करते हैं तो उस सबके उम्र सीमा के लिए आप इस एडवर्टीजमेंट को पूरा का पूरा आप पढ़ सकते हैं। ये हम ग्रुप है उसमें आपको मिल जाएगा ये सारा का सारा नोटिफिकेशन, या फिर आप BPSC के वेबसाइट पर जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चयन प्रक्रिया की बात करते हैं। चयन प्रक्रिया में जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है, जिसमें 4 जो पेपर होंगे अनिवार्य रूप से आपको देने ही पड़ेंगे और 2 पेपर ऐच्छिक होंगे जो कि आपके डिपार्टमेंट से बिलोंग करेंगे, कि आप जिस जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो सिविल के पेपर होंगे। तो चलिए अब देखते हैं इसकी क्या क्या कितने घंटे का एग्जाम होगा, पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें सामान्य अंग्रेजी, तो इंग्लिश का पेपर होगा जो 1 घंटे का होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कुल अंक इसके कितने होंगे, 100 अंक होंगे कुल, ठीक है। और सामान्य हिंदी की बात करें तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, 1 घंटे का पेपर होगा और 100 अंक का होगा, ठीक है, 100 अंकों का होगा और क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें रखे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 30 अंक लाने हैं इसमें, ठीक है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स बस हैं, इसके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, लेकिन क्वालिफाई करना अनिवार्य है इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन के, सामान्य अध्ययन का पेपर लिया जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 100 अंकों का होगा और 1 घंटे का पेपर होगा ये। अगला है सामान्य अभियंत्रण विज्ञान से क्वेश्चंस होंगे जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 1 घंटे का पेपर होगा और 100 अंकों का होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरे में ऐच्छिक पत्र में, तो इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग के 2 पेपर लिए जाएंगे जो कि वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होंगे, 1 घंटे का एग्जाम होगा और 100 अंकों का होगा, ठीक है। तो और इस तरह से आपको 2 एग्जाम लिए जाएंगे सिविल के, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर। तो आरक्षण की बात करें तो आरक्षण किसको मिलेगा, तो आरक्षण के लिए अगर हम बात करें तो आरक्षण जो है आपको, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के मूल निवासी हैं, तभी जाके आप आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। और आरक्षण के लिए आपको क्या, जाति प्रमाण पत्र जो है आपका, अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सब की जरूरत पड़ेगी। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो वो सारी आपके पास प्रमाण पत्र होने चाहिए, आप जिस भी कोटा में आरक्षण लेना चाहते हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास उपलब्ध होना चाहिए।
चलिए आगे देखते हैं इसमें, तो मेन मेन पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको डिटेल नोटिफिकेशन ये मिल जाएगा। अगर हम एग्जामिनेशन शुल्क की बात करें तो सामान्य अभ्यर्थी यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 750 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अगर आप बिहार के अनुसूचित जाति यानी SC ST अगर हैं तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। इसी तरह बिहार के अगर आरक्षित या अनारक्षित यानी जनरल या कोई भी महिला है आपको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। और दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो भी आपको 200 रुपये पे करना पड़ेगा। और अगर आप इसके अलावा कोई भी उम्मीदवार हैं, जैसे कि दूसरे राज्य के अगर आप हैं और अप्लाई करना चाहते हैं BPSC वैकेंसी के लिए, तो आपको 750 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं इसमें। आगे हम अगर देखें इसमें तो आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है भरने की तिथि क्या है, इसकी डेट, तो रजिस्ट्रेशन की तिथि अगर हम बात कर लें तो रजिस्ट्रेशन आप 11 मार्च 2020 से लेकर 25 मार्च 2020 तक कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान करने की अंतिम तिथि की बात कर लें हम कि आप फी कब तक पे कर सकते हैं, तो यह 31 मार्च 2020 तक आप फी पे करने का डेट है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरने का तारीख अगर हम बात करें तो 9 अप्रैल 2020 तक आप ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। और आयोग के कार्यालय में आपकी हार्ड कॉपी जो है स्पीड पोस्ट या फिर पोस्ट के द्वारा भेजना पड़ेगा, तो वो आपको 16 अप्रैल 2020 5 बजे शाम तक पहुँच जाना चाहिए वहाँ पर। नोट, पहला नोट यहाँ पर दिया हुआ कि जिस तिथि को आपने रजिस्ट्रेशन किया उसके अगले दिन 11 बजे से आप, अगर 11 बजे से आप क्या कर सकते हैं, अपना आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा फी भुगतान का, तो फी आप पेड कर देंगे। उस जब फी आप पेड करेंगे तो जिस दिन आपने फी का भुगतान किया उसकी अगली तिथि को पूर्वाहन 11 बजे फिर से आवेदन को ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए लिंक उपलब्ध होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। हम महत्वपूर्ण निर्देश की बात करें तो आपको इस पते पर भेजना पड़ेगा आपका अपना हार्ड कॉपी। ठीक है, उसके बाद हार्ड कॉपी के साथ साथ आपको मैट्रिक का प्रमाण पत्र, जन्म तिथि के लिए जो है विज्ञापन की जो भी शैक्षणिक योग्यता आपका है, उसके बाद आपके अंक पत्र, जितने भी महाविद्यालय यहाँ दिए हुए हैं, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण, आप जो भी आरक्षण से बिलोंग करते हैं तो सारे प्रमाण पत्र जो है यहाँ पर लगा कर आपको भेजने पड़ेंगे। ठीक है, हार्ड कॉपी के साथ साथ, और जो कि आपका क्या होना चाहिए, राजपथ पदाधिकारी द्वारा अभी प्रमाणित होना चाहिए सबके सब। ठीक है, गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर उस पर होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको और भी ज़्यादा इसमें देखना है तो आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी मेन मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी है इसमें। तो ये अच्छा मौका है सिविल इंजीनियर के लिए, जो आपने BE BTEC करके रखा हुआ है, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और आपको इसके सारी के सारी जितने भी डिटेल्स हैं वो सारे के सारे अगर आपको चाहिए तो आप इसके वेबसाइट पर जा करके आप इसके फुल सिलेबस आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह आगे जितने भी एग्जाम्स के अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन घंटी जरूर दबा देना, ताकि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए टाइम टू टाइम। ठीक है, उसके बाद चलिए, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।